गुड मॉर्निंग दोस्तों, शालिनी होम ब्लॉक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं मट्ठी बनाने जा रही हूँ। तो मट्ठी कैसे बनाते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कप मैदा ले लेंगे या एक कटोरी मैदा ले लेंगे। मैदा लेने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, अजवाइन ले लेंगे थोड़ा सा। यहाँ हाथ पे इस तरह से मसल लीजिएगा। मसलने के बाद अब यहाँ पे हम अजवाइन डाल देंगे। अब चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नमक का यूज किया है, थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। नमक डालने के बाद दोस्तों अब इसमें क्या करेंगे, रिफाइंड तेल का हमने यूज किया है तो थोड़ा सा यहाँ रिफाइंड डालेंगे, ताकि मार्केट से भी अच्छा परफेक्ट बने और बहुत ही कुरकुरे करारे यम्मी टेस्टी बने। तो उसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड तेल का यूज किया है। रिफाइंड को डालने के बाद अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देख लीजिएगा वीडियो में हम किस तरीके से मिक्स कर रहे हैं, पूरे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि कोई जब हम आटा साने या आटा गूने तो उस टाइम कोई इसमें छोटे छोटे जो टुकड़े बन गोल बन जाते हैं वो नहीं बनना चाहिए। इसलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से रिफाइन को आटे के अंदर मिक्स करना है। देखिए कुछ इस तरीके से मिक्स करते हुए ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से बिल्कुल मिक्स हो चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे रिफाइंड तेल को मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम आटा लगा लेते हैं, यानी मैदा को हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी का यूज करेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी का यूज कीजिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम पूरे आटे को मसलते हुए एकदम सॉफ्ट सा यहाँ पे हम आटा तैयार करेंगे, ताकि मट्ठी जो है बिल्कुल कुरकुरे करारे बनके तैयार हो जाए। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, आटा लग के रेडी हो चुका है। अब गैस को ऑन करके गैस के ऊपर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई रखने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, वही रिफाइंड तेल का यूज हम करेंगे। रिफाइंड तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक चलिए इधर हम क्या करते हैं, इस आटे को हम दो भाग में, मैदा जो है उसे दो भाग में कट करके बिल्कुल छोटी छोटी लोइयां तैयार करेंगे। जितनी छोटी लोइयां हो सके उतनी छोटे छोटे आप यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब इसे क्या करते हैं, बिल्कुल गोल गोल करके, ताकि हमें बेलने में आसानी हो। चलिए इस तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको, ऐसे ऐसे करके रेडी कर लीजिएगा। अब चलिए आगे क्या करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से हमने छोटी छोटी लोइयां तैयार कर रखा है। अब इसे इस तरीके से हम मट्ठी का शेप्स दे देंगे। जिस तरह के तरीके से हम पराठे का शेप्स देते हैं ना, उसी तरीके से आप इस तरह से बिल्कुल करारे खस्तादार मट्ठी घर पे बना सकते हैं। तो चलिए हमने एक आपको बना के दिखाया, अब हम दूसरा बना के भी आपको दिखाते हैं। वही प्रोसेस करेंगे, एकदम पराठा का शेप्स दे देंगे, या आप गोल शेप्स में भी मनचाहा शेप्स जिस तरीके से आपको पसंद है उस तरीके से, या जिस तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए दोस्तों हम कुछ इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब इधर तेल भी गर्म हो गया है, तो चलिए एक एक मट्ठी करके हम इसमें डालते हैं। ये देखिए दोस्तों अब अलटते पलटते हुए इसे अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। एकदम कुरकुरे खस्तदार मट्ठी हम घर पे ही बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों तलते हुए कितना अच्छा खिल-खिल गया है सारा मट्ठी यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है मट्ठी, बिल्कुल खस्तदार
चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो चुका है। चलिए अब दूसरा भी हम डाल के आपको दिखा देते हैं। एक एक करके यहाँ डाल लेंगे। देखिए वही प्रोसेस करेंगे, कितना अच्छा ये भी लाल होके फ्राई होके रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे भी निकालते हैं। बहुत सारा हमने यहाँ आपको तल के दिखा दिया। ये देखिए दोस्तों, मट्ठी बन के रेडी हो चुका है। चाय के साथ, छोटी मोटी भूख हो उसके साथ, जिसके साथ आप इंजॉय करना चाहते हैं कर लीजिएगा। कैसी बनी है ये भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।